वो एक स्किल डेवलप करना की प्रॉब्लम देखते ही माइंड स्ट्राइक करना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये मानते हो ना टेन में से एट गया एट्टी परसेंट नाइन से नाइन परसेंट टेन आउट ऑफ टेन किया हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं है कैट में एक डिफिकल्टी लेवल अलग रहता है फाइव इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें माइंड में रखनी है पढ़ते टाइम ध्यान में रखनी है वो फॉलो जरूर करना

किसी भी बैकग्राउंड का लर्नर किसी भी स्टेज से हो अगर वो गिवन डेटा जो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा फॉलो करो ठीक है फाइव इंपॉर्टेंट पिलर्स मैंने बताए हैं मतलब कुछ डिस्कशन इस तरीके का रहेगा फाइव इंपॉर्टेंट पिलर्स में एक बार क्विकली तुम लोगों को बता देता हूं क्वांट एल आर डी वी आर सी का डिस्कशन है तुम्हें अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की डेवलप करनी कि आइडिया होगी कैट का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो क्या रहेगा? में कैसे finish करना है? फिर एक ऐसी skill से तुम्हें तुम्हें कोई 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 या 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 दिखे तो तुम्हारा माइंड वहां ट्रिगर कैसे करेगा माइंड वहां क्लिक कैसे करेगा वो एक स्किल डेवलप करना कि प्रॉब्लम देखते ही माइंड स्ट्राइक करना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो एक आ, पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपन डेवलप करेंगे प्लस एक आ, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में प्रीवियस जो ईयर पेपर होते हैं मैटर करते हैं बट कहीं ना कहीं कैट में कुछ ज्यादा ही मैटर करते हैं तो में, में कि तुम्हें एक्चुअल में आइडिया हो जाए कि किस वे में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है कितने मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे और कितने तुम्हारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड

या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इनिशियल स्टेज में फर्स्ट ईयर में ही सोच रहे हैं कि सर एक साल प्रिपरेशन करेंगे फिर एक साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे और ट्वेंटी तो उन सब के लिए है जो इनिशियली चाहते हैं कि एक हम फॉलो करें इसके साथ साथ अगर तुम लोग के साथ जुड़े हुए हो तो अनडमी अर्ली बर्ड्स के लिए मतलब एक ऐसा लर्नर बहुत ही फ्लो में पढ़ना चाहता है फ्लो इन सेंस समझ रहे हो कि मैं एकदम सर बेसिक से पहले अपना फाउंडेशन रेडी करूंगा फिर थोड़ा लेवल अप करूंगा फिर थोड़ा मॉडरेट फिर एडवांस फिर कैट के पीवाईक्यू, क्यू मॉक फिर मॉक के साथ साथ उसके एनालिसिस एंड आफ्टर दैट मैंने फोर हंड्रेड डे को तुम अच्छे से प्लान कर सकते हो ना बर्डन होगा और ना ही ऐसा कोई स्नैरियो अगर तुम कैट के फाइनल ईयर में हो फॉर एक्साम्पल तुम्हारे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर थर्ड ईयर में हो बीच में जो तुम्हारा टाइम पीरियड जाएगा तुम्हारे एग्जाम में वो वन मंथ भी तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो तो इसके लिए कॉम्प्रेहेंसिव बैच है फॉर कैट इस बार है ना थोड़ा प्लान हमने बेहतर रखा है सारे टॉप एजुकेटर्स रहेंगे ठीक है है ये स्टार्ट होने वाला ऑफ अक्टूबर को जाके राइट नाउ रजिस्टर कर लो ये जो प्लान है इट्स इन uh, की ये एश्योर प्रोग्राम है कैट का अगर तुम लोगों का किसी भी बच्चे का कैट निकलता है वो आई के लिए उसके पास कॉल आता है तो हमारी टीम तुम्हें हंड्रेड रिफंड देगी ठीक है अगर किसी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो अन अकेडमी यह भी एश्योर करेगी कि तुम्हारे अगले साल का सब्सक्रिप्शन तुम्हें फ्री में अवेलेबल करवा दे ठीक है और इस पूरे के पूरे बैच में इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स होंगे उनके थ्रू बनाए गए नोट्स उनके सारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मेटेरियल तुमके लिए अवेलेबल रहेगा फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोगों को बैच के साथ साथ और बैच में भी एनरोल करना है तो वो भी एक्सेस तुम्हें मिल रहा होगा

इसके अंदर भी तुम्हारा पूरा का पूरा इंग्लिश का नॉलेज रीडिंग में तुम कैसे कैसे करते 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 हो 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 पूरा पूरा का पूरा आरसी क्रिटिकल रीजनिंग ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है तो वो कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कैट इज अ सेक्शनल बेस्ड एग्जाम ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में मैं बहुत वीक हूं और बाकी दो में बहुत अच्छा हूं तो मैं कैट निकाल लूंगा तुम्हें तो 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 एवरेज नहीं हो सकता किसी भी में। बिलो एवरेज से थोड़ा रहना पड़ेगा। एक में तुम एवरेज हो एक में ठीक ठाक हो और एक में बेस्ट हो तो काम चल जाएगा बट अगर तीनों में ठीक ठाक हो काम नहीं चलेगा किसी में बिलो एवरेज हो तो काम नहीं चलेगा तो तुम्हें बहुत बैलेंस से चलना होगा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना नहीं स्किप करना कि यार समझ में नहीं आ रहा बाद में कर लूंगा बाद में कर लूंगा तो फ्यूचर में यू रियलाइज कि यार ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई कि तीनों को एक, आ, Quant, LRDA, को एक सिक्वेंस में फॉलो करना बहुत जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्वांट एल आर डी वी आर सी को एक सिक्वेंस में फॉलो करना इंपॉर्टेंट है मैं अगर जो अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो यू हैव अ सेवन डे तो सेवन डे में से तुम लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हो अल्टरनेटिवली इन दोनों का कॉम्बो बना लिया इन दोनों का कॉम्बो बना लिया ठीक है और इनका कॉम्बो बना लिया तो यहां इस कॉम्बो में मेक श्योर sure करके रखना कुछ इस तरीके से कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड को तुम थ्री डे दो थ्री टू फोर डे राइट को तुम तुम नंबर ऑफ डे दो जब स्टार्ट करो तो थ्री टू फोर डे और और तुम्हारा जो वीआरसी सेक्शन है उसको तुम नंबर ऑफ डे दो टू टू थ्री डे ऐसा नहीं है कि वीआरसी को मैंने वैसे कम रखा है वीआरसी का सिलेबस लिटिल बिट अ स्मॉलर है इन कंपेयर टू क्वांट और एलआरडी आर यहां तुम्हें एक स्किल डेवलप करने में टाइम लगेगा बी में टू थ्री डे भी अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखी ना नेक्स्ट वन ईयर के लिए तो काम बन जाएगा राइट इसके बाद आता है जैसे बचपन से लेकर आज तक, तक तुम लोगों को क्या लगता है हाँ भाई कि किसी भी एग्जाम में मान लो फॉर एग्जाम्पल टेन क्वेश्चन आ रहे हैं अगर तुम टेन क्वेश्चन में से एट या नाइन या टेन क्वेश्चन सही करते हो कोई भी scenario ले लो तो तुम्हारा एग्जाम बढ़िया गया है राइट right? ये मानते हो ना टेन में से एट गया एट्टी परसेंट नाइन से किए नाइनटी परसेंट टेन आउट ऑफ टेन किए हंड्रेड परसेंट बट ऐसा नहीं है कैट में एक डिफिकल्टी लेवल अलग रहता है अगर देर इज अ टेन क्वेश्चन और तुमने उसमें थ्री क्वेश्चन सही किए हैं तो देर इज अ हाई चांस कि तुम कहीं ना कहीं इसके अंदर नाइनटी परसेंटाइल लेके आ रहे हो इज इट क्लियर परसेंटाइल का मतलब है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोगों ने ये पेपर दिया टेन क्वेश्चन में से थ्री क्वेश्चन सही करने वाले तुम टॉप 95 परसेंटाइल मतलब 95 परसेंटाइल का सेंस माना समझ पा रहा कि सेंस ये हुआ फॉर एग्जाम्पल इस पूरे पेपर के अंदर थ्री से ऊपर क्वेश्चन करने वाले ओनली पांच परसेंट लोग हैं तो दैट द मीनिंग यहाँ पे परसेंटाइल और परसेंटेज अलग होता है पूरा पेपर बना ही नहीं सॉल्व करने के लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक फील नहीं करना कि यार सब कुछ नहीं बन रहा हमसे तो सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे कोई डीपीपी अगर तुम्हारा टीचर देगा असाइनमेंट टीचर्स देंगे वो नहीं बन रहे यहाँ पे बिल्ड करनी है अंडरस्टैंडिंग कि ये क्वेश्चन मेरी रेंज का है ये मैं कर सकता हूँ ये मेरी रेंज से बाहर है ये मुझे स्किप करना है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसीजन मेकिंग पावर एज ए लर्नर एक डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हें डेवलप करनी होगी वो विद इन अ डे नहीं होगा

टेन में से फाइव फोर तुम्हें आ रहे होंगे उनमें से भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा मैं पहले करूंगा और जल्दी हो जाएगा ठीक है इसके बाद है स्टार्ट अर्ली टू फिनिश एंटायर सिलेबस चाहे मैं कितनी भी वीडियो बना दूं कि सर कुछ टॉपिक छोड़ दूं तो भी काम चल जाएगा ना 100 परसेंट सिलेबस है 70 परसेंट सिलेबस कर लूं तो भी काम चल जाएगा ना काम नहीं चलाना पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो चाहे वो एलजेब्रा का हो चाहे वो ज्योमेट्री का हो चाहे वो मॉडर्न मैथ का हो इन फ्यूचर में अभी बताऊंगा सिलेबस तो एंटायर सिलेबस के अंदर कहने का मतलब सिलेबस पूरा करना है हाँ कुछ चीजें हैं जिनपे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है बट स्टिल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है लाइक like नंबर्स का पता होना बहुत जरूरी है लाइक like ज्योमेट्री में ट्राइंगल और एंगल्स का पता होना बहुत जरूरी है लाइक मॉडर्न मैथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं उसे रिलेटेड पूरा सेट आ जाता है तो कोई भी पोर्शन या कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं कर सकते हाँ उसके अंदर तुम्हारी accuracy क्या है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है तुम उससे related question फास्ट कोई ऐसा नहीं करेगा कि मैं मॉडर्न मैथ छोड़ के जा रहा हूँ कोई ऐसा नहीं करेगा मैं ज्योमेट्री छोड़ के जा रहा हूँ कोई ऐसा नहीं करेगा कि मैं नंबर सिस्टम छोड़ के जा रहा हूँ और फिलहाल तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए राइट नाउ थर्टी मंथ है अपने पास ये थर्टीन मंथ के अंदर हाई चांस की अगर अपन भी फॉलो करें तो नेक्स्ट मंथ में सिलेबस कर सकते हैं ठीक है फिर है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखो जितने भी कैट uh, एस्पिरेंट रहे हैं या फिर जो आने वाले हैं एक प्रॉब्लम वो फॉलो करते हैं कि वो एक है ना पुराना जो पैटर्न है वो फॉलो करते हैं क्लास ज्वाइन करेंगे क्लास देखेंगे ऊपर टीचर पढ़ा रहे हैं नीचे नोट्स बना रहे हैं टीचर पढ़ा रहे नोट्स बना रहे हैं और वैसे ठीक है उस बाद में अगली क्लास में फिर आएंगे नोट्स बना रहे ऐसा वो वो नेक्स्ट मंथ करेंगे तुम्हारा जो माइंड है डेवलप होगा ऐसे तो अगर तुम लिटरली चाहते हो कि यार बहुत कुछ सीखना है और अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी है कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए तरीका क्या होगा जिस भी टीचर की क्लास में बैठो शांति से क्लास में बैठो रफ पे रफ पेन और पेज लेकर बैठो और जो भी वो समझाए उसको समझो लिखने पे मत जाओ समझो एंटायर कुछ ऐसा लगे कि हाँ समझाया है उसमें मेरे को डाउट है तो उसको स्टार मार्क करके लिख लो इसके बाद जब वो सेशन खत्म हो जाए उस सेशन के विद इन अ डे उस पूरे सेशन को रिवाइज करो और क्विकली लिख लो क्विकली लिखने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिखना है क्योंकि अगर तुम अनअकैडमी का हिस्सा हो तो तुम्हें वो जो चीज टीचर ने स्क्रीन पे लिखी है वो एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है ठीक है तुम्हारे माइंड में रहता है कि आज ये चीज सर ने सिखाई ये चीज मेरे को एक बार अपनी नोटबुक में लिखनी है तो वो प्रॉपर नोटबुक में लिख के उसके नीचे जो क्वेश्चन है तुम एक नॉर्मल वे में जो बचपन से कर आज तक करते आए हैं नोट्स बनाने में लग जाते हो उस नोट्स बनाने के बीच में टीचर के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ लैग कर जाते हैं तो तुम ये चीज बहुत लेट जाके रियलाइज करते हो कि पढ़ाया तो था बट मुझे नहीं आता तो नोट्स बनाने का टाइम आफ्टर क्लास रखना है क्लास के अंदर नहीं रखना चाहे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो चाहे वो ठीक है।, है ऐसा करने से जब तुम लोग खुद से नोट्स बना रहे हो ना तो तुम्हें उस माइंड में वो बात स्ट्राइक करेगी कि इस टाइम सर ने ऐसा क्यों कहा था सर ने परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के लिए क्यों बोला ऐसा सर ने एलजेब्रा के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उस टाइम जब तुम्हारा दिमाग खुद से ऐसे ट्राई कर रहा होगा ना तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट हो रहा होगा एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो भी सिलेबस है वो टेंथ स्टैंडर्ड का है स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं आएगा कैट में इसलिए जब तुम लोग एक तरीके से तुम्हारा टू ईयर पहले जो पढ़ा हुआ है ना उसको एक बेहतर स्टैंडर के पढ़ना है।, है फिर आता है प्रीवियस ईयर एक्चुअल कैट क्वेश्चन जनरली इंडिया के सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर मैटर करते हैं बट जिस लेवल पे कैट में मैटर करते हैं ना किस कहीं भी मैटर नहीं करते क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस को फॉलो करना सिखाएगा कि वो कैसे पूछता है वो कैसे अपनी चालाकियां रखता है कैसे वो सरप्राइज एलिमेंट देता है कैसे वो क्वेश्चन देखने में इजी है बनाने जाओगे डिफिकल्ट हो जाएगा कैसे एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाता है और एक वन लाइनर जिसके अंदर लॉजिक जाता है वो डिफिकल्ट सोल्व होता है तो प्रीवियस ईयर है ना मेरा मानना क्या है

मैं एक बार रिवाइज करूंगा तो ये फोर्टी फिफ्टी परसेंट हो जाएगा एक बार सर जब पीवाई क्यू करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हंड्रेड परसेंट को टच कर रहा होगा बट अपनी एबिलिटी खुद को चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि भैया जो सामने वाले ने सिखाया उसके बाद क्या मुझे सच में परसेंटेज का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या सच में मुझे इसका लॉजिक क्रैक हो रहा है क्या क्या सच में कोई क्वेश्चन देख के उसे सोल्व कर पा रहा है? ये तुम्हें प्रीवियस ईयर के थ्रू चेक करना रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे तुम्हें एग्जामिनर की थोड़ प्रोसेस का पता चलेगा ठीक है ये पांचों इंपॉर्टेंट पिलर मैंने डिस्कस किए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो करना बेटा फिर क्विकली मैं सिलेबस देख लेता हूं बाकी आई थिंक सिलेबस तो सबको आइडिया ही होगा नहीं है तो देख लेना क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो होता है कैट का इसमें पांच इंपोर्टेंट पांच इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलजेब्रा आर्थमैटिक ज्योमेट्री मॉडर्न मैथ नंबर सिस्टम राइट पूरा का पूरा सिलेबस है आर्थमेटिक का मैंने नोट डाउन करवा दिया देख लेना स्क्रीनशॉट ले लेना फिर एलजेब्रा का पूरा नोट डाउन है ठीक है

बट ऐसा नहीं चलेगा कि अभी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया या फिर अभी मैंने कहीं से पढ़ना स्टार्ट किया मंथ मंथ तो मजा आ रहा था आफ्टर का मैंने ब्रेक ले लिया फिर तुम ये मान के चलो जीरो आएगा इसलिए टिल कैट नवंबर तक रखो टू का सिलेबस भी इसी तरीके से नोट डाउन कर दिया देख लेना करके वीडियो। और ये है तुम्हारा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग यही है बहुत है कि हो जाए। पिछले कई सालों से सा नहीं हुआ। अगर कुछ होगा तो आई विल बिगनिंग करने जा रहे हो क्या तो ट्वेंटी बेस्ड एग्जाम है तुम्हारी नियरेस्ट सिटी में होगा ठीक है और इसके अंदर वर्बल एबिलिटी डी आई एल आर एप्टीट्यूड आएगा हर सेक्शन को फोर्टी मिनट मिलेंगे

इसके अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे नॉन नॉन होते हैं थीटा, जहां पे तुम्हें टाइप करना है? अब मार्किंग कुछ ऐसे होती है तो एक नंबर कट जाएगा और अगर नॉन एमसीक्यू को तुमने गलत कर दिया तो नो नेगेटिव मार्किंग कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है, सो कि ये जो कम का है तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा और ये भी सिनेरियो समझ में आ गया कि कैसे कैसे अगर तुम चाहते हो कि सर आपसे हमें कंटिन्यू करना है या फिर इंडिया के किसी भी टॉप एजुकेटर से स्टार्ट करना है तो इलेवंथ ऑफ अक्टूबर को बैच आ ही रहा है मेरा ऑलरेडी फाउंडेशन बैच चल रहा है अगर तुम ऐप पे जाके देखोगे तो जिसमें मेरी पहली क्लास होगी सॉरी सेकंड क्लास होगी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को जहां मैं एल स्टार्ट करूंगा और कहीं ना कहीं ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर को वी गाइ स्टार्ट विद नंबर सिस्टम ठीक है बेटा जी कि सारी इंफॉर्मेशन को अगर तुम्हें समझ में आया है तो इट्स अ परफेक्ट डे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद फेस्टिवल सीजन है 50 ऑफ चल रहा है इट्स अ यूनिक रेफरल कोड ये रेफरल कोड पे जब चाहो लगा लेना बेस्ट ऑफ मिलेगा तुम्हें जैसे ही लगाओगे जादू देखोगे रवि जीरो नाइन ठीक है इसके बाद अपन ने ये डिस्कशन कर ही लिया है ये तुम लोगों में से अगर तुम्हारा कोई दोस्त कैट ट्वेंटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनका बैच फाइनल बैच चल रहा है इसके साथ 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 ये ओनली टेस्ट सीरीज फॉर कैट वालों के लिए और साथ में अगर बुक चाहिए तो ये होगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन और कोई चाहता है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ही पसंद है मुझे अन अकेडमी की तो नाइन थाउजेंड हाँ नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन में ये मिल जाएगी होप्स कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा अगर ये सारी चीजें हैं तो जाओ क्विकली ज्वाइन करो अन अकेडमी के नए बैच को कॉन्फ्रेंसिव बैच को और तो ये पांच फैक्टर माइंड में रखना आपने इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एक बात हमेशा ध्यान रखना एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है अपने प्लान्स बनाओ उनको स्लोली स्लोली एग्जीक्यूट करो डोंट मेक अ प्लान फॉर 1 ईयर डोंट मेक अ प्लान फॉर 1 मंथ प्लान फॉर एवरी डे सोचो आज मैं क्वांट एलआरडी वीआरसी में क्या हूं और कल अगले दिन क्या हूं हर दिन इंप्रूवमेंट करना है यहाँ पे बेस्ट होने की तरफ नहीं जाना गोइंग फॉर अ बेटर वर्जन हर दिन अपना बेटर वर्जन बनते जाओगे कैलकुलेशन पे काम करोगे स्पेशली नॉन मैथ वालों पूरे एंटायर सिलेबस को मत देखो पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट करो उस पॉइंट को ठीक करते जाओगे नेक्स्ट सिक्स मंथ में यू रियलाइज कि यार मैं बहुत क्लोज चुका हूं अपने सिलेबस कंप्लीशन uh, के प्लस उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है बट ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब तुम कंटिन्यू वे में ये चीजें करोगे अगर चीजें ठीक लगी हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन शेयर विद योर अदर लर्नर लाइक तुम किसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो अपने कॉलेज वालों के साथ शेयर कर देना वो मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन ऑनअमी राइट नाउ जाके ऐप पे जाके फॉलो कर लो वहां मुझे डीएम कर सकते हो तुम लोग और आफ्टर दैट अपकमिंग डेज में मेरे जो प्लस कोर्सेज हैं uh, फ्री क्लासेज हैं वो वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच मिलते हैं जल्दी बाय बाय टेक केयर